ये तस्वीर नेपाल की है। यहाँ भी कोरोना वायरस का कहर है। यहाँ देखिए कैसे एक गैंडा बीच रोड पे मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इसको किसी की परवाह नहीं है। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई गैंडा इस तरह रोड पे घूमते हुए कभी देख सकता है? लेकिन ये लॉकडाउन का इफेक्ट है। जैसे ही इस गैंडे को एक इंसान ने देखा, वो घबरा गया, भागने लगा। भाई कोई भी भागेगा, ये जानवर होता ही है इतना खतरनाक। देखिए कैसे ये उस आदमी की तरफ भागा। एक ही झटके में जितने भी लोग सड़क पे इधर उधर घूम रहे थे, वो सब अपने अपने घरों के अंदर चले गए। ये गैंडा तो पुलिस वालों से भी बेहतर निकला भाई। नंबर टू, ये तस्वीर है ओडिशा की। यहाँ की बीचेस पे लॉकडाउन की वजह से कोई आता ही नहीं, सभी बीचेस वैसे ही खाली पड़ी रहती हैं। ऐसे में इस बार ओडिशा की बीचेस पे अद्भुत नजारे देखने को मिले। ये देखिए कैसे लाखों की संख्या में कछुए इस बीच पे अंडा देने के लिए पहुंचे। क्या किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान में भी कभी इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा? दोस्तों, इन कछुओं ने गहिरमाता और ऋषिकुल्या में 6 करोड़ के आसपास अंडे दिए। इससे पहले यही समुद्री बीच हजारों सैलानियों से भरे रहा करते थे, लेकिन अब सब कुछ लॉकडाउन की वजह से सूना पड़ा है। और इसी को तो हम कहते हैं द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस लॉकडाउन। इस पे आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर थ्री, दोस्तों आज से तकरीबन 1 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली की सड़कों पे मोर इस तरह से झूमते नजर आएंगे। यहाँ तो पहले सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती थी, लोग चलते रहा करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब दिल्ली की सड़कों पे जानवरों का दबदबा है। यहाँ सुबह शाम पक्षियां शोर मचाती हैं, जोर जोर से चिड़ियों की खूबसूरत आवाज घरों तक आती है। आज दिल्ली के कई लोग जिन्होंने गांव में रहने का सुख कभी प्राप्त नहीं किया, उन्हें दिल्ली में रहकर गांव में रहने का अनुभव मिल रहा है। नीला आसमान, लहलहाते पेड़, ये बताने के लिए काफी है कि प्रकृति की आज जीत हुई है। नंबर फोर, अब जरा इस तस्वीर को देख लेते हैं। यहाँ देखिए कैसे ये हिरन रात में टहल रहे हैं। किस तरह इनके मन में अब कोई डर नहीं है। ये नजारा है उत्तराखंड का। 4 हिरन एक साथ एक सोसाइटी में आती हैं और घूमती रहती हैं। ये फुटेज है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहाँ तो दिन में ही एक हिरन कॉलोनी के बीचों बीच घूमती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब लोगों ने इसे देखा तो ये भाग गए। नंबर फाइव, सपनों की नगरी मुंबई, जहाँ जानवर तो छोड़िए इंसानों के लिए भी जगह नहीं थी, वहाँ आजकल समंदर में अलग ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, एक वन्य अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस वीडियो को अपलोड किया। उन्होंने लिखा था कि मुंबई के मरीन ड्राइव पे एक साथ बहुत सारे डॉल्फिन आ रहे हैं और समुद्र में मस्ती कर रहे हैं। देखिए जरा इस वीडियो को, कैसे डॉल्फिन कूदती हुई नजर आ रही है। ये मुंबई है मेरे दोस्त। नंबर सिक्स, दोस्तों ये वीडियो भी उत्तराखंड से है। इस वीडियो में आप एक साथ कई हिरणों को सड़क पे घूमते हुए देख सकते हैं। देखिए जरा कितना खूबसूरत नजारा है। एक समय था जब यहाँ भी रोड पे सिर्फ गाड़ियां ही नजर आती थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। रोड पे हर तरफ हिरन ही हिरन। नंबर सेवन, ये वीडियो है नोएडा का। जी हाँ, नोएडा का सबसे पॉश एरिया है ये, सेक्टर 18, जहाँ एक साथ 4 बड़े बड़े मॉल्स हैं, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स हैं इधर, कई बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन आज सब कुछ बंद पड़ा है। तभी तो पुलिस वालों को ये नीलगाय मेन रोड पे घूमती नजर आ गई। ये नजारा ये बताने के लिए काफी है कि इंसानों ने किस तरह से इस धरती पर अपना हक जता रखा था। आज इंसान बंद है और जानवर हर जगह घूम रहे हैं। नंबर एट, दोस्तों क्या आपने कभी मालाबार सिविट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि इस जानवर को विलुप्त माना जा रहा था। आखिरी बार ये जानवर 1990 में देखा था, यानी कि 29 साल पहले। लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट देखिए कैसे ये जानवर फिर से बाहर आ गया है। ये वीडियो भी भारत के किसी वन्य अधिकारी ने ही डाला है। कैसे ये जानवर रोड पे बेखौफ चल रहा है। केरल का कोझिकोड जिला, जहाँ वायरस का प्रकोप काफी ज्यादा है, वहाँ लोग इसकी वजह से अपने घरों में ही रह रहे हैं। और ऐसे में जानवरों के पास मौका है कि वो जंगलों से बाहर निकले। नंबर नाइन, अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इंग्लैंड भी इस महामारी की चपेट में है, लाखों लोग बीमार पड़े हैं, और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हों तो सड़कों पे ये जंगली बकरियां घूमने आ गईं। जी हाँ दोस्तों, लंदन का नजारा है ये, जहां एक साथ कई सारी बकरियां सड़कों पे आपको घूमती फिरती नजर आएंगे। नंबर टेन, ऊद बिलाव भी घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि रहते थे, क्योंकि ये नजारा सिंगापुर का है। देखिए कैसे ये ऊद बिलाव एक साथ झुंड में मौज मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बताएं, सिंगापुर में भी इस वायरस का कहर है। नंबर 11, ईरान के ऊपर इस वायरस का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हजारों की संख्या में लोग इस बीमारी की वजह से मारे गए हैं। तभी तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन ये कर्फ्यू पक्षियों और जानवरों के लिए थोड़ी ना है। तभी तो सारे बत्तख एक साथ ईरान के एक एयरपोर्ट को देखने निकल पड़े। हो सकता है इन्हें फ्लाइट देखने का शौक हो, है कि नहीं दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
नंबर 12। दोस्तों, इस लॉकडाउन का इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि आज के दिन स्पेन के समुद्री तटों पे किलर व्हेल्स तैरती नजर आ रही हैं। जी हाँ, वही व्हेल्स जो कभी समुद्र की गहराई में दिखती थी, आज चारों तरफ सुन सपाटा होने की वजह से ये समुद्री तटों पे आ चुकी हैं। स्पेन ही क्यों, ये फ्रांस की भी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ भी व्हेल्स समुद्र में तैरते नजर आए।